हेलो फ्रेंड, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीपीटी 1 एग्ज़ाम। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेई सीपीटी 1 का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और आरआरबी जेई सीपीटी 2 के लिए नोटिस भी रिलीज हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि आरआरबी जेई सीपीटी 2 का एग्ज़ाम एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मैक्सिमम चांसेस है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही होगा आरआरबी जेई सीपीटी 2 का एग्ज़ाम। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी बिफोर फाइनल सीपीटी 1 रिज़ल्ट, और सीपीटी 1 का जो रिज़ल्ट है अभी तक नहीं आया है। सो फ्रेंड, सीपीटी 1 का जो रिज़ल्ट है वो इस वीक में एंड तक आ जाएगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जोन वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ओनली एवरेज कट ऑफ का जिक्र करेंगे कि एवरेज कट ऑफ क्या रहेगी सभी जोन की मिला करके। सो फ्रेंड, इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है कि टोटल सेफ स्कोर क्या रहेगा अनरिजर्व्ड में, एससी में, ओबीसी में, एसटी में, क्या टोटल सेफ स्कोर है, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट और आफ्टर रिवाइज आंसर की आफ्टर ऑब्जेक्शन के बाद क्या इफेक्ट हुआ है कट ऑफ पर। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आप उसे देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में लिंक आपको मिल जाएगा। वो जोन वाइज कट ऑफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी और यह कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर ऑब्जेक्शन के बाद जो भी सभी बच्चों को मेल आए हैं कि किसके कितने नंबर बढ़े हैं, सो फ्रेंड उसके बाद यह कट ऑफ है। और सेकेंड कैटेगरी है डेंजर स्कोर, यह ऐसा स्कोर है जिस पर आप बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ कट ऑफ पर ही हो, आप या तो आप उसे क्रॉस कर जाओगे या बिल्कुल ही कट ऑफ पर ही रह जाओगे, ये डेंजर स्कोर होगा। क्या डेंजर स्कोर रहेगा इसके बारे में हम जानेंगे, और कितने नंबर से कम की स्कोर है कि जिसमें आप होप नहीं रख पाओगे कि बिल्कुल ही चांसेस बहुत ही 5 से 10% ही चांसेज है कि आप पास हो पाओगे, बहुत ही कम चांसेज है। सो फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं पहले कि क्या नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट होगा और कितना आपका रिवाइज आंसर की वजह से इफ़ेक्ट मिलेगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि टोटल 2 लाख के आसपास स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, 2 लाख के आसपास स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 13,487 प्लस में कुछ वैकेंसी अभी इंक्रीज हुई है 70 से 80, तो टोटल आपके पास 14,000 के आसपास वैकेंसी नहीं है, टोटल 13,550 आपके पास वैकेंसियां हैं। सो टोटल वैकेंसी में से आपको बताया कि 2 लाख के आसपास स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 13 से 15 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है सीबीटी 2 के लिए। सो फ्रेंड, रिजल्ट में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट कितने बच्चों को कैसे दिया जाए, कितना नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट रहेगा। सो फ्रेंड, शिफ्ट वाइज भी अब उन्हें कंसीडर करना है कि क्या शिफ्ट टफ रही है, क्या मीडियम रही है, या मॉडरेट रही है, या ज़्यादा ईजी रही है। सो फ्रेंड, अगर आपकी ईजी शिफ्ट है, ईजी शिफ्ट में चांसेज है कि आपके 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था और ऑब्जेक्शन के बाद ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो उसमें आपका 1 से 2 मार्क्स तक ही बच्चों का इंक्रीज होगा। मीन्स अगर आपकी ईजी शिफ्ट है तो आपके 6 मार्क तक इंक्रीज होंगे अब, जो कि पहले 4 से 5 हो रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्शन के बाद भी अब आंसर की के बाद आपके 1 से 2 मार्क्स इंक्रीज हो जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपने देखा होगा इग्नोर भी किया गया क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स यहाँ से, तो आपके अब जब ईजी शिफ्ट है तो ईजी शिफ्ट में आप 7 मार्क्स तक इंक्रीज कर पाएंगे, और जहाँ तक मॉडरेट शिफ्ट की बात है तो आप अब 10 मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे, 9 से 10 मार्क्स, और जहाँ तक टफ शिफ्ट की बात है, टफ शिफ्ट में आप 14 से 15 मार्क्स आप अपने इंक्रीज कर पाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर इग्नोर और आफ्टर ऑब्जेक्शन के बाद। अब टोटल 14 से 15 मार्क्स अगर आपकी शिफ्ट टफ कंसीडर होती है, और मीडियम होती है, मॉडरेट मीन्स तो 10, और ईजी शिफ्ट है तो 7 मार्क्स आप इंक्रीज कर पाएंगे। सो फ्रेंड, इन सब को मिला करके टोटल आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने देखी होगी 4 से 5 जो वीडियो है उन पर बच्चों के कमेंट है, 1000+ बच्चों के कमेंट्स है। उसके अलावा फेसबुक से और गूगल सोर्स से जितने भी अब तक पोल हुए हैं उन सभी की एवरेज को मिला करके ये कट ऑफ तैयार की गई है। अगर आप इस जोन में आप आ रहे हैं तो टोटली सेफ है, कोई डाउट की रहेगा ही नहीं। और
अभी आप देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी एक्सपेक्टेड, सभी जोन की जोन वाइज नहीं है, ऑन एन ऑल एवरेज है। सो फ्रेंड अभी आप देख पा रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड जोन है, क्या आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। तो अगर आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 54 to 60 मार्क्स हैं आंसर की आने के बाद, अगर आपके आंसर की आने के बाद 54 to 60 है, तो आप 100% आप अपने आप को कह सकते हो कि आप टोटली सेफ हो। और OBC में 50 to 54, SC में 46+ और ST में 42+, अगर ये स्कोर आपका है तो आप टोटली सेफ हो, 100% आप कह सकते हो कि CBD2 के लिए सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा आप डेंजर जोन में या तो आप कट ऑफ के बिल्कुल ही कट ऑफ पर रह जाओगे, या कट ऑफ थोड़ी सी क्रॉस करोगे, या कट ऑफ से पहले, जैसे कि आपका 58 कट ऑफ है और आपके 57 पॉइंट समथिंग रह गए या 58 पॉइंट समथिंग, तो वो स्कोर है डेंजर स्कोर। तो आपका अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 48 to 54, और OBC है तो आप 44 to 50 आपका स्कोर है तो आप डेंजर जोन में बिलोंग करते हो। SC में 38 स्कोर से 40 और ST में 35, अगर ये स्कोर आपका है तो आप कह ही नहीं सकते कि टोटली आप सेफ हो, यहाँ पर आप बिल्कुल ही डेंजर जोन में हो, क्योंकि आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो भी डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी कंसीडर हुई है, ये सब फैक्टर आप पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ जोन है जैसे मुंबई जोन है, कोलकाता जोन है, चंडीगढ़ जोन है, चेन्नई जोन है, बेंगलोर है, इन सभी की जो कट ऑफ है मैंने आपको बताई थी एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाली है, आप वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद जो फ्रेंड 10% बिल्कुल ही चांसेज है कि इनका हाईली नॉर्मलाइज हो जाए किसी का स्कोर, तब ये डिपेंड करता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 40 मार्क्स पर हो तो मे बी आप कंसिडर हो जाओ कट ऑफ क्रॉस करने में। OBC में 35, SC में 30 और ST में 25। सो फ्रेंड यह थी कट ऑफ। और जिन बच्चों को डाउट है कि केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंस और DMS डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसकी भी ऑलरेडी कट ऑफ में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कि इनमें क्या कट ऑफ रहने वाली है। और जहाँ तक फिजिकल हैंडीकैप्ड का बात है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आप 30 अगर आपका स्कोर है किसी भी जोन में, आप 30 स्कोर है तो आप टोटली सेफ हो, नो डाउट 30 स्कोर आपका आ रहा है तो आप हर एक जोन में सेफ हो। सो फ्रेंड CBT 1 का जो रिज़ल्ट है वो इस वीक के एंड तक आएगा, और अगर ज़्यादा ही बढ़ेगा तो मैक्सिमम है कि 15 दिन पहले तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है CBT 1 का। आप कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आएगा आज कल परसों, तो इस पर डिपेंड करता है कि उसको ना देखें, आप अपनी CBT 2 की तैयारी को जारी रखें। CBT 2 के लिए आपके दिन डेली कम होते जा रहे हैं, आप रिज़ल्ट पर डिपेंड ना रहे, आज आएगा कल आएगा परसों आएगा, आपको जो तैयारी करनी है। आप नॉन टेक है, अगर आपका नॉन टेक 50 मार्क्स का है, आप अगर जब तक रिजल्ट आता है आपका 50, आप में 50 को टोटली ही अपने आप को सिक्योर कर लेते हो कि ये 50 आपका हो गया, तो आपके पास ओनली फिर टेक्निकल पढ़ने का रह जाएगा। आप 50 तो तैयार कीजिए तब तक नॉन टेक के लिए। और जहाँ तक हमारे कोर्स का है तो उसमें मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ करंट अफेयर्स, जिसके 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 0.2.500 क्वेश्चन है January to July, जिसमें 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और आप उसकी PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप RRB JEE CBT 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सभी पार्ट कवर कर चुका हूँ, 5 पार्ट जिसमें 500 क्वेश्चन कवर करने थे, तो टोटल आप देख सकते हैं इसमें या तो आपका पीरियोडिक टेबल हो या आपके एटम्स के बारे में हो, तो सभी का ही डिस्कशन किया गया है। टोटली मोस्टली जो क्वेश्चन है वो RRB JEE CBT 1 में भी रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं ये टोटली 5 पार्ट है, और आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और जो प्रीवियस जो कट ऑफ है जो जोन वाइज है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। और फ्रेंड और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको डाउट लग रहा है अपने कट ऑफ में जोन वाइज लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट।